हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे सो आई एम बैक अगेन आफ्टर सच सच अ लॉन्ग टाइम विद अनदर वीडियो व्हिच इज़ द वीडियो इज ऑल अबाउट द इम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं अगर आप लोग मेरे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो अब ये जो एक्ट है ये क्यों आया था इसका थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम देख लेते हैं दिस एक्ट केम टू प्रोवाइड दिस एक्ट वॉज मेड और इनैक्टेड टू प्रोवाइड फॉर सर्टन बेनिफिट्स ये एक्ट क्यों बना था ताकि जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिल सकें बेनिफिट्स रिलेटेड टू बेनिफिट्स रिलेटेड टू दिकनेस मेटर्निटी एम्प्लॉयमेंट इंजरी अगर अगर कोई सिकनेस होती है उनको एम्प्लॉयज़ को मेटर्निटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती हैं इम्प्लॉयज़ को फीमेल इम्प्लॉयज़ को एंड इफ देर इज़ एनी एम्प्लॉयमेंट इंजरी टू द इम्प्लॉयज़ तो उन सबसे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को मिलने चाहिए तो इसी ऑब्जेक्टिव इसी एम के साथ ये पर्टिकुलर एक्ट ऑपरेशंस में आया था दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन नाइनटीन ऑफ अप्रैल 1948 सो दिस वाज दी ऑब्जेक्टिव एंड इस एक्ट के जो सेक्शंस हैं उन उन पर जाने से पहले या उनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इस एक्ट की हिस्ट्री देख लेंगे ताकि ये पता चल सके कि कहाँ से इस एक्ट के बारे में गवर्नमेंट ने बात करनी शुरू करी थी या उनके माइंड में आया था कि ऐसा कोई इंश्योरेंस प्लान और ऐसा कोई इंश्योरेंस लॉ ऑपरेशंस में आना चाहिए कंट्री में आना चाहिए सो वील मूव टू द अनदर स्लाइड व्हिच इज़ रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ इम्प्लॉयिज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट तो मैंने इन इस पर्टिकुलर हिस्ट्री को लाइक पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया वी हैव अ टोटल ऑफ नाइन पॉइंट्स जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द हिस्ट्री सो so, पहला पॉइंट इज रिलेटेड टू कि कैसे स्टार्ट हुआ था तो अगर हम देखें इसमें लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन नाइनटीन ट्वेंटी एट द एग्ज़ामिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ सिकनेस इंश्योरेंस बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकेम नेसेसरी तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कंसिडर करना था कि जो ड्राफ्ट का जो कन्वेंशन ड्राफ्ट कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन है जो कि टेंथ आई एल ओ कॉन्फ्रेंस नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में जो हुई थी आई एल ओ कॉन्फ्रेंस विच वॉज़ रिलेटेड टू दी सिकनेस बेनिफिट उसको रेटिफाई करने की जब बारी आई तो नाइनटीन ट्वेंटी एट में फिर ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन uh, पे या उस पर्टिकुलर मुद्दे पे ये फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया ने सोचना शुरू करा कि इज़ इट फीजिबल कि क्या हमको सिकनेस इंश्योरेंस को लाना चाहिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए इस पर्टिकुलर कंट्री में कि नहीं करना चाहिए और ये जो स्टार्ट कैसे हुआ था जब टेंथ आई एलो कन्वें कॉन्फ्रेंस नाइनटीन जो कि सिकनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड है उसको रेटिफाई करने की बारी आई थी अगर आपको पता हो या आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो आई एल आई एल कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन पे तो जो भी कन्वेन्शन्स एंड रिकमेंडेशन होते हैं आई के आई मींस मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कंट्री उसको रेटिफाई करती है तो इसका मतलब होता है कि नाउ दैट कन्वेंशन और उस कन्वेंशन के जो भी प्रोविजन्स हैं वो उस कंट्री में अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे लाइक मतलब गवर्न होने लगेगी हो like, वो पर्टिकुलर कंट्री उस आएलो कन्वेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कन्वेंशन uh, की तो 1927 में ये कन्वेंशन आया था उसके बाद जब इसको रेटिफाई करने की बारी आई 1928 में तब ये माइंड में आया कि क्या इस पर्टिकुलर जो प्लान है या इंश्योरेंस है सिकनेस इंश्योरेंस बेसिकली उसको उसको इंट्रोड्यूस करना फिजिबल रहेगा कंट्री में कि नहीं रहेगा आफ्टर दैट 1931 थर्टी वन को उससे पहले क्या हुआ था कि जब ये माइंड में आया था तो थोड़ा सा डिस्कशन हुआ होगा तो ये कंक्लूजन में आया था कि लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान और दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस इज़ नॉट दैट फिजिबल इन द कंट्री आफ्टरवर्ड्स 1931 में रॉयल कमीशन ऑफ़ लेबर ने क्या बोला था रॉयल कमीशन ऑफ़ लेबर ने फिर अगेन इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इससे रिलेटेड सजेशंस पे कंसिडरेशन अपनी रखी थी लाइक like, उन्होंने उन्होंने इस मुद्दे को दोबारा से उठाया था द कमीशन ऑल्सो प्रपोज अटेंटेटिव प्लान अटेंटेटिव स्कीम रिलेटेड टू सिकनेस इंश्योरेंस लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्रोविजन या कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं आ सका या वो वर्कआउट नहीं हो सका जो कि सिकनेस बेनिफिट्स या सिकनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड हो और कंट्री में इंट्रोड्यूस नहीं हो सका आफ्टरवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन कॉल्ड अपॉन टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ़ रेटिफाइंग द ड्राफ्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास ये वाला टॉपिक दोबारा से आया कि क्या इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस को इस जैसे इंश्योरेंस को रेटिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और रेटिफाई क्या कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन कॉल्ड अपॉन टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ़ रेटिफाइंग द ड्राफ्ट कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू इन वैलिडिटी ओल्ड एज विडोज एंड ऑर्फेंस इंश्योरेंस तो इन वैलिडिटी हो ओल्ड एज हो विडो का इंश्योरेंस हो या ऑर्फेन इंश्योरेंस हो जो कि 17th आईलो कॉन्फ्रेंस 1930-33 में अडॉप्ट किया गया था उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन uh, को या कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लाइक uh, रेटिफिकेशन like के लिए दोबारा से सोचना या इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को कंसिडर करना स्टार्ट करा था अगर हम आगे चलें लाइक पहले चले तो आपको ध्यान होगा मैं दोबारा से ये चीज़ क्यों बता रही हूँ आप इसको ध्यान से देखो कि 1927 में जो आईलो कन्वेंशन आया था एक सेकेंड हाँ 1927 में जो आईलो कन्वेंशन आया था जस्ट जस्ट अ मिनट यस 1927 में जो आईलो कन्वेंशन आया था दैट वाज रिलेटेड टू सिकनेस इंश्योरेंस तो जब ये वाला कन्वेंशन आया था तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान दिया था कि क्या इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस या इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को अडॉप्ट करना चाहिए रेटिफाई करना चाहिए ठीक है उसके बाद अगर हम बैक टू चले थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर दोबारा से एक नया कन्वेंशन आया था सेवनटीन्थ आईलो कन्वेंशन जो डिस्कस हुआ था सेवेंटीन्थ आईलो कॉन्फ्रेंस में नाइनटीन में दिस कन्वेंशन वॉज़ रिलेटेड टू ओल्ड एज विडोज और ऑर्फेंस इंश्योरेंस तो जब ये वाला कन्वेंशन आया था तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये एक नया टॉपिक था कि क्या इस पर्टिकुलर एरिया में इंश्योरेंस होना चाहिए या ऐसा कोई इंश्योरेंस हमको हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आफ्टर दैट 1940 में थ्री प्रोविंशियल लेबर इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया गया था Committee of Bihar, Bombay and UP, which was appointed to recommend the introduction of insurance scheme. ये पर्टिकुलर कमेटी को क्यों अपॉइंट किया गया था 1948 में ताकि इंश्योरेंस स्कीम को अपला लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए उससे उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके क्या रिपोकॉशंस होंगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो ये पूरे मुद्दे पर यह पूरे टॉपिक पे आ, अपनी राय देने के लिए अपने रिकमेंडेशन देने के लिए नाइनटीन में थ्री प्रोविंशियल लेबर इंक्वायरी कमेटी को बिठाया गया था अब ये सब चीज़ों को आप प्लीज़ नोट डाउन जरूर करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आफ्टर द 1941 में सेकेंड कॉन्फ्रेंस जब हुई थी लेबर मिनिस्टर की तो वहाँ भी ये सजेशन आया था कि एक प्रीलिमिनरी सर्वे होना चाहिए टू फाइंड आउट द फीजिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम इन लार्ज इंडस्ट्रीज तो इनिशियली एक पायलट सर्वे अगर पायलट स्टडी की बात करें तो ऐसा नाइनटीन फोर्टी में सेकेंड कॉन्फ्रेंस जब हुई थी लेबर मिनिस्टर की तब ये डिसाइड हुआ था कि हाँ एक प्रीलिमिनरी सर्वे होना चाहिए स्पेसिफिकली लार्ज इंडस्ट्रीज में ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि अगर ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम लार्ज इंडस्ट्रीज़ में अगर अप्लाई होगी या इंट्रोड्यूस होगी तो वो कितनी फीजेबल रहेगी क्योंकि अगर कोई भी नई इंश्योरेंस स्कीम या कोई भी फॉर दैट मैटर प्लान अगर कंट्री वाइड अगर हमको इंट्रोड्यूस करना है तो स्टार्टिंग में हमको एक छोटे से एरिया में उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि हम ये देख सकें कि उस पर्टिकुलर प्लान का जो फीजिबिलिटी है वो पर्टिकुलर प्लान कितना अच्छा है कितना फीजिबल है उसके जो लाइक अगर वो इंट्रोड्यूस होता है तो उसके बेनिफिट्स कितने सही रहेंगे उसका एग्जीक्यूशन किस हद तक बेटर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ सोच समझ के कोई प्लान का इंट्रोडक्शन करती है बट ज़रूरी नहीं है जब उसका एग्जीक्यूशन हो जब वो अप्लाई हो और जो लोग है उसको उसके उनके ऊपर वो चीज़ें अप्लाई होने लगे तो उसका जो प्रभाव है वो सेम तरीके से हो जैसा गवर्नमेंट ने सोचा था तो इट इज़ नॉट फीजिबल कि वो एक साथ पूरी की पूरी कंट्री में उस पर्टिकुलर प्लान को या किसी भी पर्टिकुलर प्लान को इंट्रोड्यूस करें तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग एक छो छोटे एरिया से ही करनी पड़ती है तो 1941 में जब सेकेंड लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था लेबर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ऐसा ये डिसाइड हुआ था कि एक सर्वे होना चाहिए लार्ज इंडस्ट्रीज़ में टू फाइंड आउट कि इंश्योरेंस स्कीम ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम अगर अप्लाई अगर लागू होगी कंट्री में तो वो कितने किस हद तक बेनिफिशियल रहेगी उसके बाद जब थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था लेबर मिनिस्टर की जो कि जनवरी में हुई थी 1942 में तो देन इट वाज अग्रीड अपॉन टू ड्राफ्ट सिकनेस इंश्योरेंस स्कीम इन फर्स्ट इंस्टेंस फॉर वर्कर्स इन कॉटन जूट हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री नाइनटीन में सेकेंड कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था कि एक प्रीलिमिनरी सर्वे होना चाहिए टू चेक आउट द फिजिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम इन लार्ज इंडस्ट्रीज तो उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आया होगा उसके बाद जब थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ लेबर मिनिस्टर का 1942 टू जनवरी में तो ये डिसाइड हुआ कि एक ड्राफ्ट सिकनेस इंश्योरेंस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए फॉर फॉर फर्स्ट इंसेंट मतलब पहली बार में कहाँ कहाँ ये इंट्रोड्यूस होगा कॉटन इंडस्ट्री में जूट इंडस्ट्री में और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आई होप यहाँ तक आपको जो हिस्ट्री है ये समझ में आई होगी कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन जब ये सब हो रहा था तो बी पी अडरकर को अपॉइंट किया गया था एज अ स्पेशल ऑफिसर इन मार्च 1943 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि प्रोफेसर बीपी अडरकर रिपोर्ट कर सके ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स हेल्थ इंश्योरेंस जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स का इंश्योरेंस स्पेसिफिकली जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा है या वो इंश्योरेंस कैसे वर्कआउट हो रहा है उस पर अपनी रिपोर्ट दे, देने के लिए प्रोफेसर बी पी अडरकर को 1943 में अपॉइंट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट ऑन ऑगस्ट 1944 उन्होंने अपनी रिपोर्ट ऑगस्ट 1944 को सबमिट करी टू तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस रिपोर्ट कंटेंट अ कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम ऑफ सोशल इंश्योरेंस वॉज लेटर एग्जामिन बाई मेसर्स मॉरिस स्टैक एंड रघुनाथ राव ये जो इंश्योरेंस ये जो रिपोर्ट थी जो कि एक सोशल इंश्योरेंस कॉम्प्री कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम ऑफ सोशल इंश्योरेंस पे थी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को दोबारा से एग्जामिन करने के लिए कौन आए थे जो मैसर्स अब तो मैसर्स जो एक टर्म है ये एक एज अ टाइटल यूज होता है जब एक से ज़्यादा लोगों को हम एड्रेस करते हैं तो उससे पहले हम मैसर्स लगा देते हैं तो बाय मेसर्स मोरिस टैक और रघुनाथ राव ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रोफेसर बीपी पी अडरकर की जो रिपोर्ट थी उसको दोबारा से एग्जामिन करा था और इनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इन्वाइट करा था टू एग्जामिन द रिपोर्ट तो देश सजेस्टेड सम इम्प्रूवमेंट्स इन द स्कीम कंटेनदे तो प्रोफेसर बी पी अडरकर के द्वारा जो भी रिपोर्ट uh, आई थी उसमें जो भी सोशल इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी स्कीम थी उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करे थे कि उन्होंने मॉरिस स्टैक एंड रघुनाथ राव ने तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है आफ्टर दैट द अडरकर रिपोर्ट एंड दजेशस मोरिस टैक एंड राव वर डिस्कस एट दिक्स लेबर कॉन्फ्रेंस इन ऑक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फोर तो प्रोफेसर अडरकर की जो रिपोर्ट थी वो एंड मैसर्स मोरिस टैक एंड रघुनाथ राव जी के जो भी सजेशंस थे वो ये सारी चीज़ें सिक्स लेबर मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ जो कि ऑक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फोर में हुई थी वहाँ डिस्कस हुआ एंड रिकन्सिडर्ड एट मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग लेबर मेटी और वही डिस्कशन या वही सजेशंस और अदरक की रिपोर्ट को स्टैंडिंग लेबर कमेटी की जो सिक्स मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी क्या किया गया री कंसिडर किया गया और ये मीटिंग कब हुई थी मार्च 1945 को और इट नाइनटीन फोर्टी फाइव को वहाँ पर अग्रीमेंट हुआ था

उनमें अप्लाई होगी और जो क्या क्या कवर करेगी वो स्कीम एम्प्लॉयमेंट इंजरी कवर करेगी मेटर्निटी बेनिफिट कवर करेगी अगर पॉसिबल होता है तो ऐसी स्कीम से गवर्नमेंट को गवर्नमेंट प्रोसीड करनी चाहिए मतलब ऐसी स्कीम को गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए दैट द स्कीम शुड बी सर्कुलेटेड टू द प्रोविशियल गवर्नमेंट एसोसिएशन ऑफ़ एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन बिफोर द बिल वॉज ड्राफ्टिड और उससे पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई भी स्कीम के साथ प्रोसीड करे ये स्कीम का जो सर्कुलेशन है एक टाइप एक आप बोल सकते हो एक सॉट ऑफ नोटिफिकेशन वो एम्प्लॉयस के एसोसिएशन के पास भी जाना चाहिए ट्रेड यूनियन के पास भी जाना चाहिए फॉर सजेशंस क्योंकि हम इन्हीं लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम का इंश्योरेंस uh, स्कीम को बना रहे हैं तो बिफोर द इंश्योरेंस स्कीम इज़ बींग अप्लाइड इज़ बींग इंट्रोड्यूस टू द कंट्री टू द एरिया इसको हमको क्या करना चाहिए ऑब्वियसली उन लोगों से भी इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर हमको सजेशन लेना इम्पोर्टेंट है जो लोग इवेंचुअली इस पर्टिकुलर स्कीम से गवर्न होने वाले हैं आई होप आपको समझ में आएगा इसमें क्या डिसाइड हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रोसीड विद देंडल हेल्थ इंश्योरेंस की इट इज़ फीजिबल कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कोई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट uh, को ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कि नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में इंट्रोड्यूस हो जो कि एम्प्लॉयमेंट इंजरीज को कवर करे और कुछ हद तक मेटर्निटी बेनिफिट को भी कवर करे लेकिन इससे पहले कि कोई भी ऐसी स्कीम किसी भी एरिया में किसी भी इंडस्ट्री में आ, स्टार्ट हो या अप्लाई हो या इंट्रोड्यूस हो उससे पहले वो कहाँ जानी चाहिए वो एम्प्लॉय के एसोसिएशन के पास सर्कुलेट होने चाहिए या ट्रेड यूनियन के पास भी जाने चाहिए ताकि उन दोनों से भी उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में उस पर्टिकुलर बिल में उनके सजेशंस लिए जा सके क्योंकि वो बिल लाइक उस बिल में उन अगर उनको लगता है कि ये बिल में ये ये चेंजेस होने चाहिए तो वो फिर पहले ही बोल दें कि इंट्रोडक्शन के बाद दोबारा से उसमें ऑब्जेक्शन uh, आए इससे पहले इंट्रोडक्शन से पहले ही उन लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच जानी चाहिए ये बिल ये ड्राफ्ट पहुंच जाना चाहिए ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन है अगर कोई चेंजेस करने हैं तो ट्रेड यूनियन या इम्प्लॉयस का एसोसिएशन पहले ही कर दे बिफोर इट हैज़ बीन ड्राफ्टेड और बिफोर इट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस टू दी कंट्री और द एरिया कंसर्न परसुए टू दिस वर्कमेन स्टेट इंश्योरेंस बिल प्रोवाइडिंग कंपल्सरी और उसी के बाद एक वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल जिसमें कंपलसरी सिकनेस मेटर्निटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं वर्कर्स को टू दिन फैक्ट्री इंट्रोड्यूस हुआ नवंबर 1946 को और उसके बाद आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन अल्टीमेटली इट वाज बीइंग पास्ड ऑन नाइन्टीन ऑफ अप्रैल नाइनटीन आई होप आपको ये हिस्ट्री समझ में आई होगी एंड अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैंने जो बताया है उसमें कुछ कन्फ्यूजन है आपको मैंने कुछ गलत चीज़ बताई है या मेरे बताने के तरीके में आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है लाइक आप समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ फील फ्री टू तो आस्क एनी थिंग रिलेटेड टू तो दिस पर्टिकुलर स्लाइड या दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ द हिस्ट्री ऑफ स्टेट इंश्योरेंस

ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है इट्स शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट और डेट्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन दफिशियल गजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे भी अपॉइंटेड तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी डेट देती है कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट को ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई हो जाएगा तो उस डेट में ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा तो और अगर और जो वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है उसमें एरियाज भी दिए रहते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट में अप्लाई होगा कौन सी स्टेट में नहीं अप्लाई होगा सो so, इवेंचुअली इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में जो जो एरियाज दिए हैं वहाँ अप्लाई हो जाएगा जो डेट दी है उस डेट को अप्लाई हो जाएगा इट शैल अप्लाई इन द फर्स्ट इंस्टेंस

शैल अप्लाई टू अ फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अदर और अंडर द कंट्रोल ऑफ़ द गवर्नमेंट हुज एम्प्लॉयज़ आर अदरवाइज इन तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि सपोज़ सपोज इसको देखते हैं मैं सपोज सपोज ये चार इंडस्ट्रीज हैं ठीक है तीन इंडस्ट्रीज़ में तो कुछ भी ऐसा कोई प्लान या ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो लेकिन इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक इंश्योरेंस के जैसा कोई लॉ है और वहाँ पर जो लोग काम करते हैं इम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है अभी ये एक्ट चारों पे अप्लाई हो गया तो ये जो चीज़ दी हुई है इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंडस्ट्री में पहले से कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसी इंश्योरेंस स्कीम चल रही है जिसमें जो बेनिफिट्स हैं वो इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड ही बेनिफिट है मतलब इक्वल बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस स्कीम बनाई है उसमें जितने भी बेनिफिट्स दिए हुए हैं उसी से मिलते जुलते मतलब उससे कम नहीं उससे ज़्यादा या सेम एग्जैक्टली बेनिफिट्स उस पर्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी पहले से ही वहाँ के एम्प्लॉइज को मिल रहे हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर लॉ या ये पर्टिकुलर स्कीम उस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई हो इवेंचुअली मतलब क्या है गवर्नमेंट का मतलब ये है कि बेनिफिट मिलना चाहिए इम्प्लॉयज को अगर पहले से ही वहां की जो एम्प्लॉयर है वो पहले से ही अपने एम्प्लॉयज को अच्छा खासा इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स दे रहा है और एम्प्लॉयज खुश भी हैं उस पर्टिकुलर बेनिफिट से तो ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई हो तो ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं भी अप्लाई होगा तो भी चलेगा द अप्रोपेट दिस इज सेक्शन टू सबसेक्शन फाइव आई होप आपको ये चीज तो पता होगी कि सेक्शन टू एक सेकेंड हा जैसे सेक्शन वन है दिस इज सब सेक्शन वन सेक्शन वन का सबसेक्शन वन सेक्शन वन का सबसेक्शन टू सेक्शन वन का सबसेक्शन थ्री सबसेक्शन फोर And now, section 1, subsection 5. Section 5: five, the appropriate government may, in consultation with the corporation and where the appropriate government is the state government, with the approval of the central government, after giving one month's notice to its intention of doing so by notification in the official gazette, extend the provisions of this particular act to. एनी अदर इस्टब्लिशमेंट और क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रियल सो इसमें लिखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी अगर उसको जैसे कि ऑलरेडी उसने कुछ कुछ एम्प्लॉयमेंट में ये पर्टिकुलर लॉ को या ये पर्टिकुलर एक्ट को अप्लाई कर दिया है अभी उसको इस पर्टिकुलर एक्ट को और जगह भी अप्लाई करना है तो अगर वो अप्लाई करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट देखो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या अप, आ, स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको किसी से किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर किसी भी इंडस्ट्री की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है और वो चाहती है कि वो क्या करे किसी ए, इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर एक्ट को अप्लाई करे तो उसको अपने इस पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और एक काइंड ऑफ वन मंथ नोटिस देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कि हाँ हम आपके इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर एक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं ये वन मंथ नोटिस क्यों दिया जाता है क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्शंस आने हैं वहाँ के एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉय से तो वो जो टाइम ड्यूरेशन दिया है उस टाइम ड्यूरेशन में ऑब्जेक्शंस आ जाए जो चेंजेस होने हैं बिफोर अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर लॉ टू पर्टिकुलर एरिया अगर कोई चेंजेस होने तो हो जाए और ये जो वन मंथ नोटिस वाला जो अमेंडमेंट uh, है ये टू में आया है सब्सिट्यूटेड बाय फॉर सिक्स मंथ्स ठीक है तो मतलब पहले 2000 थाउजेंड से पहले ये जो नोटिस पीरियड था ये था सिक्स मंथ्स का मतलब कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट ये इंटेंट करती है कि उसको उस आ, उसके एरिया में या कुछ इंडस्ट्रीज में ये पर्टिकुलर लॉ को अप्लाई करना है तो 2010 से पहले वो छः महीने का नोटिस देती थी छः महीने का टाइम पीरियड दिया जाता था और उसके बाद अप्लाई होता था नाउ दिस सिक्स मंथ्स हैज़ बीन डिक्रीज टू वन मंथ और ये कब हुआ था टू में हुआ है 2010 ऑनवर्ड्स ये वन मंथ का टाइम पीरियड हो गया है आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड आई होप आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का भी जो सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर जो मेन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ की मेन गवर्नमेंट क्या होती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जैसे कि ऑयल्स और मतलब लाइक मेजर पोर्ट्स हो गए ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई रेलवेज हो गई ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और अदर देन uh, कुछ सपोज़ कुछ कुछ एरियाज़ में बैंकिंग वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो ऐसा uh, अगर है तो जहाँ पर जो भी इंडस्ट्री का मेन गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है और वहाँ की गवर्नमेंट अगर चाहती है कि उसके जियो uh, में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आती हैं उस इंडस्ट्रीज में वो जो इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसको अप्लाई करना चाहती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट पहले अप्रूवल लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का और अप्रूवल मतलब लाइक वो वन मंथ का नोटिस पीरियड देगी उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकती है आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी नाउ कम कॉम्स डेफिनेशन पार्ट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट डिपेंडेंट वाला क्योंकि इससे मेजरली मेजरली क्वेश्चन आते हैं और यहीं पर सारा का सारा कन्फ्यूजन भी होता है तो सबसे पहला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कि हमने अभी भी डिस्कस करा है अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में का मतलब क्या होता है स्टेट या सेंट्रल ना ये तो सब में आ गया इट मींस कि इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और मेजर पोर्ट तो अगर ऐसी कोई भी स्टेब्लिशमेंट है जो कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है मेजर पोर्ट्स हैं माइंस हैं ऑयल फील्ड्स हैं या ऐसी कोई जो एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑफिस है तो वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और इन सब के अलावा जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी नाउ कम्स सॉरी डिपेंडेंट्स अब डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है वाई डिपेंडेंट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है क्योंकि हम इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं ई इंश्योरेंस में नॉमिनी भी डिस्कस होता है नॉमिनी मतलब अगर जिस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस है और अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश तो ऐसे केस में जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको वो उसके नॉमिनी को मिलेंगे और नॉमिनी कौन होगा डिपेंडेंट जो उसके ऊपर निर्भर होगा तो डिपेंडेंट्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज इंश्योर्ड पर्सन तो जो भी इन शॉर्ट पर्सन है जो भी डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है उसका जो डिपेंडेंट है उसपे कौन-कौन आएगा विडो मतलब जो भी उसकी वाइफ है लेजिटिमेट अडॉप्टेड सन अडॉप्टेड सन है या लेजिटिमेट लेजिटिमेट भी होना चाहिए सन तो ऑब्वियसली एंड अडॉप्टेड है तो अडॉप्टेड ठीक है हु हैज नॉट अटेनड द एज ऑफ 25 तो so, 25 साल का नहीं हुआ है हैज टू बी लेजिटिमेट सन और अडॉप्टेड भी हो सकता है अगर और बॉर्न है तो बॉर्न अडॉप्टेड है अडॉप्टेड बट लेजिटिमेट इम्पॉर्टेंट है विडो मतलब जो भी उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है मतलब अगर, अगर अ, मेल इम्प्लॉयी है तो उसकी वाइफ फीमेल इम्प्लॉय है तो उसका हस्बैंड और अ, एज कितनी होनी चाहिए बच्चे की ट्वेंटी फाइव ईयर से कम और अगर अ, जो डॉटर है वो अनमैरिड अनमेरिड होनी चाहिए लेजिटिमेट और अडोप्टिड तो ये सारे डिपेंडेंट हो जाएंगे देन अब विडोड यहाँ पर विडो आगे विडोड मतलब जो uh, विडोड कौन हुआ वा? जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है तो अगर फीमेल इम्प्लॉई है उसकी डेथ हो जाती तो उसका हस्बैंड भी उसके डिपेंडेंट्स में आ जाएगा ठीक है मेल इम्प्लॉयी है उसकी डेथ हो जाती तो उसकी वाइफ भी देन मदर भी जो भी इम्प्लॉयी है उसकी मदर थर्ड में क्या हो जाएगा अब देखो ये फर्स्ट क्लास डिपेंडेंस हैं ठीक है फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी डिपेंडेंट्स देन सेकेंड कैटेगरी में आ जाएगा इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अगर कोई भी पर्सन पूरी तरह से डिपेंडेंट था उस टाइम तक जिस टाइम में उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हुई है वो कौन सा पर्सन है लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन और डॉटर हु हैज़ अटेन दाइज ट्वेंटी फाइव ईयर्स एंड इज़ इन्फॉर्म मतलब अब काबिल नहीं है इनफॉर्म मतलब कोई हैंडी कैप हो सकता है अनसाउंड माइंड का हो सकता है ऐसा लजिटिमेट सन या डॉटर इधर बॉर्न और अडॉप्टेड जो कि पच्चीस साल से बड़ा है लेकिन ही और शी इज़ नॉट ऑफ साउंड माइंड इनफॉर्म है हैंडी कैप हो सकता है अनसाउंड माइंड का हो सकता है और वो पूर्णतः अपने फादर या मदर पे डिपेंडेंट है जब उनकी डेथ होती है तो वो पर्सन भी उसके डिपेंडेंट्स में आ जाएगा और ये जो ट्वेंटी फाइव का जो टाइम एज है ये दो हजार दस के अमेंडमेंट के बाद आया है इससे पहले 18 साल था ठीक है थर्ड कैटेगरी डिपेंडेंट कौन हो जाएंगे इफ होली और इन पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्थिंग अभी इनमें से जो लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं या जब वो पर्सन की डेथ होती है की डेथ होती है या आधे तौर पे डिपेंडेंट है जब वो उस एम्प्लॉय की डेथ होती है उस एम्प्लॉय की अर्निंग पे वो कौन कौन से लोग हैं पहला है अ पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर विडोड मदर के अलावा कोई पेरेंट है माइनर इन सन देखो लेजिटिमेट सन हो या लेजिटिमेट uh, डॉटर हो वो फर्स्ट कैटेगरी डिपेंडेंस में आ जाएंगे थर्ड कैटेगरी डिपेंडेंस में माइनर इलेजिटिमेट सन आएगा एंड अनमेरिड इलेजिटिमेट डॉटर तो डॉटर के केस में अनमेरिड होना जरूरी है ठीक है और थर्ड कैटेगरी में अनमेरिड अनमैरिड लेजिटमेट मतलब नजायज़ ठीक है और अ डॉटर लेजिटमेट और अडॉप्टेड और इलेजिटमेट इफ मैरिड एंड अ माइनर और इफ़ विदाउट एंड अ माइनर ठीक है देखो इसका मतलब है पहला तो माइनर है इन सन है माइनर मतलब बिलो द एज ऑफ एटीन इलेजिटमेट डॉटर है अनमेरिड है और अ डॉटर लेजिटमेट तो है अडोप्टेड या बोर्न है या इलेजिटमेट है इफ मैरिड एन अ माइनर और इफ विडोड एन अ माइनर ठीक है तो ये भी काइंड kind ऑफ of, क्या हो जाएगा थर्ड कैटेगरी डिपेंडेंट्स में आ जाएंगे वो मैरिड तो थी ठीक है लेकिन वो क्या थी आ, मतलब शी वॉज विडोड तो ऐसे केस में आ, वो आ सकती है थर्ड कैटेगरी डिपेंडेंट्स में आ, आ, जैसे चाहे वो इल, इलेजिटमेट डॉटर हो या अडॉप्टेड हो या बॉर्न हो या वो इलेजिटमेट है अडोप्टेड है या बॉर्न है और वो माइनर है तो ऐसे केस में भी उसको इंक्लूड किया जाएगा थर्ड कैटेगरी डिपेंडेंट्स में अगर माइनर ब्रदर है एंड अनमेरिड सिस्टर है और अब विडोड सिस्टर है सिस्टर है लेकिन वो विडोड है और माइनर है देखो मैरिड वाली केस में क्या हो रहा है अगर वो मैरिड तो है लेकिन uh, विडोड है मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है लेकिन डेथ का केस भी तब है जब वो माइनर है क्योंकि मेजर मेजर की कैटेगरी नहीं डाली गई है ये ध्यान रखना डोड है बट माइनर है ठीक है तो विडोड है और माइनर है तब वो एम्प्लॉय की आ, सिस्टर क्योंकि देखो क्या होता है ना कि सिस्टर तो है लेकिन अगर वो शादी होके दूसरे घर चली गई है तो वहां उसका जो हस्बैंड है उस हस्बैंड से वो डिपेंडेंसी में आ जाएगी लेकिन अगर वो अपने भाई के लिए डिपेंडेंट के तौर पे उसको चाहिए कि उसको बेनिफिट मिले तो ऐसे केस में उसको विडो होना पड़ेगा बट माइनर भी होना पड़ेगा तो अगर एक माइनर गर्ल विडोड है माइनर सिस्टर विडोड है तो वहाँ उस केस में उसको डिपेंडेंसी मिल सकती अदरवाइज नहीं मिलेगी ठीक है एंड सेम गोज़ फॉर द डॉटर एज वेल वो अगर मैरिड और मेजर है तो फिर वो नहीं आ पाएगी लेकिन मैरिड भी अन मैरिड है विडोड है, है और माइनर है चाहे वो इलेजिटिमेट हो या अडॉप्टेड या बॉर्न bon हो ऐसे केस में वो एम्प्लॉय uh, की uh, जो भी एम्प्लॉय uh, का जो डिपेंडेंसी उसमें आ जाएगी बट इन थर्ड कैटेगरी तो ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है इसमें आता है क्वेश्चन कि फर्स्ट कैटेगरी डिपेंडेंस कौन है सेकंड कैटेगरी डिपेंडेंस कौन है थर्ड कैटेगरी डिपेंडेंस कौन है तो इसको प्लीज आप ध्यान से ही हर चीज़ पढ़िएगा अब विडो डॉटर इन लॉ डॉटर इन लॉ मतलब अगर उसका जो बेटा था उसकी जो बहू है ठीक है और विडोड मतलब उसके जैसे सपोज ये इम्प्लॉई है इसके इंश्योरेंस के डिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं राइट अब इस एम्प्लॉय का बेटा ऑलरेडी डेड है तो उसकी जो बहू होगी मतलब बेटे की जो वाइफ है वो भी अपने ससुर या सास के डिपेंडेंसी में आ जाएगी लेकिन थर्ड कैटेगरी में अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीड सन इम्प्लॉय का जो बेटा था जिसकी डेथ हो चुकी है उसका बच्चा मतलब इम्प्लॉय का जो पोता या पोती बट हैज टू बी माइनर वो भी Uh, जो थर्ड कैटेगरी डिपेंडेंट है उसमें आ जाएगा अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर वेयर नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इन अलाइव ये इंप्लॉई है जिसके इंश्योरेंस के डिपेंडेंस की हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी बेटी उसकी भी डेथ हो चुकी है अब उस उसका जो बच्चा है अगर वो माइनर है तो भी वो इसके मतलब अपने नाना जी के डिपेंडेंस डिपेंडेंट के लिस्ट में आ जाएगा अगर इस बच्चे के दोनों पेरेंट्स अलाइव नहीं है मतलब इस बच्चे की मम्मी की भी डेथ हो चुकी है पापा की भी डेथ हो चुकी है तो ऐसे केस में वो अपने नाना जी या नानी जी के डिपेंडेंट की कैटेगरी लिस्ट में आ सकता है लेकिन थर्ड कैटेगरी में अब पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ़ नो पेरेंट ऑफ अन्श्योर्ड पर्सन इज अफ पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट कौन से हुए सपोज ये पर्सन है जो कि एम्प्लॉय है जिसके डिपेंडेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं इस एम्प्लॉय के दादा दादी या नाना नानी ये दोनों ही क्या हो जाएंगे ये दोनों ही डिपेंडेंट की लिस्ट में आ जाएंगे थर्ड कैटेगरी डिपेंडेंट्स की लिस्ट में आ जाएंगे अगर इस एम्प्लॉय के खुद के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है अगर इस एम्प्लॉय के खुद के माँ बाप नहीं हैं, तो फिर इस एम्प्लॉय के दादा दादी या नाना नानी दोनों ही इस एम्प्लॉय के डिपेंडेंट की लिस्ट में आ जाएंगे लेकिन थर्ड कैटेगरी डिपेंडेंट्स आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट इंजरी बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम यहाँ से डिस्कस करेंगे आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अगर कोई दिक्कत हुई है कोई कन्फ्यूजन हुआ है यू कैन आस्क मी इन दमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई है अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया है चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा मेरे जो वीडियोस है उसको लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लाइक करोगे आप कमेंट करोगे तभी इंगेजमेंट बढ़ता है जो भी यूट्यूब का एल्गोरिथम है आपको समझ में आता होगा लाइक करने से कमेंट करने से हमारा जो इंगेजमेंट है वो बढ़ता है और जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती हैं तो प्लीज़ मेरे को हेल्प करिए मेरे को ग्रो करने के लिए अगर आपको मेरे वीडियोज़ और मेरी जो हार्डवर्क है वो पसंद आता है एंड अगर कोई कंफ्यूजन यू कैन आस्किन इन दमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊंगी टिल देन स्टे सेफ कीप लर्निंग बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग बाय बाय